रिकॉर्डिंग ओके यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्स में ये जो 5 मार्क के लिए आता है कोडेड वो कैसा होता है। जनरली मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेता हूँ हर हर बार की तरह, इस बार भी एक सैंपल क्वेश्चन दूंगा। देखो यहाँ पे सर आज अपना पीओ लेवल का ही करवा दो ये। हाँ ये पीओ लेवल ही है। नीता बोल रही हो ना, कैसे? आपका नाम नीता है ना? नहीं सर, कौन आपका नाम? सर रेणु बोल रही हूँ। हाँ रेनू, रेनू नीता और रेनू का आवाज थोड़ा सेम सेम है। एक सैंपल क्वेश्चन है, लिखो मत, यहाँ पे सिर्फ ध्यान दो। कंडीशन ऐसा एग्जाम में दिया होता है, इनइक्वालिटी का ऐसे कंडीशंस दिए होते हैं, और ऐसे 5 कंडीशंस दिए हैं, ठीक है। 5 कंडीशंस देने के बाद आपको ऑप्शंस भी दिए होते हैं, ऑप्शंस में सेम होता है जो हमने पहले पढ़ा था। ऑप्शन नंबर वन फॉलो, अगर आपका दोनों फॉलो हो रहा है तो क्या टिक करोगे? बोथ फॉलोज अगर दोनों दोनों फॉलो नहीं हो रहा है तो नाइदर नॉर। हाँ आइदर और कब मैंने बताया था ना, आप पढ़ के नहीं आए हो क्या? या तो आइदर ये या तो ए या फिर बी, हाँ, सेम या तो सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट, वेरी गुड, होगा और सेम साइन कंक्लूजन तो। हाँ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, वेरी रॉन्ग होना गुड। चाहिए। और दोनों कंक्लूजन होना चाहिए रॉन्ग, ठीक है, साइन मैच नहीं, साइन मैच होना चाहिए। हाँ मैच होना चाहिए, चलिए सब्जेक्ट सेम देखो। होना चाहिए। हाँ सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट कैसा दिया होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टेटमेंट हम लोग जनरली कैसे पढ़े थे, हम लोग ने इसके ए ऐसा था, बरोबर ना? लेकिन ये कोडेड में ऐसा नहीं होगा, कोडेड में आपका जो स्टेटमेंट होगा वो ऐसा होगा। बीच बीच में आपका वीडियो कट हो रहा है सर। बाकी लोग कट हो रहा है क्या वीडियो? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा हाँ पॉज हो सर, रहा है सर, आपका नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा रेड सिग्नल दिखा रहा है। मैम वाईफाई चल रहा नहीं है प्रॉपर। नहीं आ रहा ना? अभी आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है। मूवमेंट दिख रहा है, हैंड मूवमेंट? हाँ दिख रहा है, दिख हाँ रहा सर दिख रहा है। है। ओके ओके मैम, फिर से रुक गया सर।
नहीं रुका रहेगा, चालू है अभी, हुआ सर चालू, बीच बीच में हो रहा है सर। देखो आपको यहाँ पे देख लो, देखो एग्जाम्स में आपके कंडीशन दी फिर से रुक गया सर। हाँ एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए, आप एक काम करो मैम, आपके पास नेट है ना, कितना जीबी है? लेक्टर्स रुकेगा तो अच्छा ही लगता है। सर फर्स्ट राइट है, सेकंड वन रॉन्ग है। अभी आ रहा, देखो क्लियर आ रहा है क्या? हाँ सर क्लियर है, अभी क्लियर रहेगा ना? ठीक है ओके चलो। देखो यहाँ पे आपने सॉल्व भी कर लिया क्या? हेलो सर, मैंने भी सॉल्व किया। आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है ना? आवाज यस सर क्लियर है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके एग्जाम में ना ऐसा कंडीशन दिया होता है, कंडीशन ऐसे पांच कंडीशंस दिए होते हैं, आपका स्टेटमेंट दिया होता है और कंक्लूजन दिया होता है। ये जनरली 5 मार्क के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन आपको पहले कंडीशन को प्रॉपर सेट करना पड़ता है, फिर जाके आप प्रॉपरली स्टेटमेंट को आप चेक करके कंक्लूजन में राइट रॉन्ग टिक कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, आप ऐसे कंडीशंस को शॉर्टकट्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्योंकि आप ऐसा हर एक क्वेश्चंस को आप ऐसा ट्रेडिशनली मेथड में नहीं कर सकते, राइट और रॉन्ग? राइट सर। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे सब कुछ सेम रूल्स फॉलो करना है आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बॉक्स बनाना है, ये रफ कर दो ऊपर का, दिख रहा है ना प्रॉपर? देखो यहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है। यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटीज में कितने साइन है स्टूडेंट? तीन साइन है, ग्रेटर स्मॉलर इज इक्वल, बरोबर ना? तो ग्रेटर को यहाँ पे प्लेस करो, स्मॉलर को यहाँ पे प्लेस करो, और ग्रेटर के नीचे ग्रेटर देन इज इक्वल करो, स्मॉलर के नीचे स्मॉलर देन इज इक्वल करो, और इज इक्वल को बीच में प्लेस करो। ठीक है, अब देखो कंडीशन नंबर वन पढ़ो आप। ए एट द रेट बी मीन्स क्या है? ए इज स्मॉलर देन बी, ए क्या है? स्मॉलर देन बी है, तो एग्जैक्टली बता रहा है वो। तो स्मॉलर की जगह पे क्या पुट करोगे आप? ये साइन पुट करोगे, ऐसा आपने साइन यहाँ पे पुट किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट? No, sir. Okay. Sir. चलो सेकेंड कंडीशन पे जाते हैं। A hashtag B means A is not smaller than B. देखो यहाँ पे जब भी not लगा है ना, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास तीन साइन है,
अगर वो बोल रहा है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, मतलब क्या स्मॉलर नहीं है, तो आपको स्मॉलर को कट करना है, तो हमें हमारे पास कितने साइन बचेंगे? दो. दो साइन बचे, और दोनों साइन मिलके क्या बनता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू. वेरी गुड. तो यहाँ पे आप हैश का टैग यहाँ पे पुट कर दोगे. ठीक है, देखो ए डॉलर बी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर, देखो ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉट ग्रेटर देन बी. तो यहाँ पे देखो ए ना तो स्मॉलर है ना तो ग्रेटर है, तो यहाँ पे देखो आप क्या बोला है, स्मॉलर नहीं है तो आप स्मॉलर कट कर दो, स्मॉलर नहीं है, और बोला है ग्रेटर भी नहीं तो ग्रेटर को भी कट कर दो. साइन कौन सा बचा? इज इक्वल. तो इज इक्वल के जगह पे आप क्या पुट करोगे? डॉलर पुट करोगे. वेरी गुड. चलो अभी देखो यहाँ पे ए परसेंटेज बी मीन्स व्हाट? ए इज ग्रेटर देन बी, ये डायरेक्टली बोल रहा है. नॉट का कहाँ पे, यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं. तो ये डायरेक्टली बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ग्रेटर का डायरेक्ट साइन पुट करेंगे यहाँ पे परसेंटेज. अब बचा कोचा साइन कौन सा आएगा? एक ही जगह बचा है ना, ये साइन ऑटोमेटिक यहाँ पे पुट कर दो. अगर आपको पुट करना नहीं आता है तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है ए कॉपीराइट बी मींस ए इज नॉट ग्रेटर देन बी. हमारे पास तीन साइन था, इससे बोल रहा ए इज नॉट मतलब ग्रेटर नहीं है. तो अगर ग्रेटर नहीं है तो दो साइन बचे बनेगा तो क्या बनेगा? स्मॉलर देन इक्वल्स टू. तो यहाँ पे पुट करना है. ठीक है, आपको साइन पुट करना समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ पे कि फिर से बताओ? क्योंकि अगर आपको साइन पुट करना आ जाएगा तो आप आगे के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करोगे. सर हैशटैग वाला समझाऊं? सर ये समझ में कैसे आएगा कि ग्रेटर कौन सा और स्मॉलर कौन सा? एक्चुअली ना अर्शद, एक्चुअली ना आपका पहले लेक्चर हुआ नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. और अर्शद एंड विवेक प्लीज आप ध्यान दो यहाँ पे कि आपको सिर्फ ना एक रफ आइडिया लेना है, क्योंकि इसका बेसिक बाकी स्टूडेंट्स का हो चुका है इसलिए वो फटाफट आंसर कर रहे हैं. और आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है और वो आप डायरेक्टली आप हायर क्वेश्चंस पे आ रहे, तो इसके लिए थोड़ा सा बाउंस होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक्स फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, तभी हम आप लोगों को बताएंगे. ठीक है, हैशटैग वाला सेकंड समझाओ ना. सेकंड समझाओ, देखो ए हैशटैग बी मींस ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, मतलब बोला है ना, ये देखो यहाँ पे तीन साइन होता है, हैशटैग का बोला ए इज नॉट स्मॉलर, तो आप स्मॉलर को कट कर दो. तो बचा कौन सा साइन? दो साइन बचा, दो साइन बचा कि नहीं मैम? क्वेश्चन किसने पूछा था? डिंपल जोशी. तो देखो दो साइन बचा, दोनों साइन मिलके क्या बनता है? ग्रेटर और इज इक्वल मिलके क्या बनता है? ग्रेटर देन इज इक्वल. तो ग्रेटर देन इज इक्वल की जगह पे आपको वो जो कोड दिया है वो पुट करना है. क्लियर? क्लियर डिंपल? यस सर. ओके, इसको रफ करो ऊपर. हाँ सर, रफ कर दूं? यस सर. देखो यहाँ पे हम लोग जनरली क्या करते थे, आप मुझे बताओ, मैंने आपको तीन साइन बताया था और ये तीन साइन में बड़ा साइन कौन सा होता है? ग्रेटर. ग्रेटर, वेरी गुड. स्मॉलर देन इज इक्वल, इज इक्वल में कौन सा साइन बड़ा होता है? स्मॉलर. अगर हमें ये साइन नहीं दिया और ये दोनों में कंपेयर करना हो तो बड़ा कौन सा साइन होता है? ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल. वेरी गुड, वेरी गुड. क्योंकि देखो अभी, और हमारा रूल क्या था, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या बोलता है? अगर हम लोग राइट टू मतलब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाते हैं, इट मींस सीधे डायरेक्शन में जाते हैं तो साइन चेंज करते हैं क्या? नहीं, नहीं करते. लेकिन अगर हम लोग उल्टे डायरेक्शन में आते हैं तो साइन चेंज करेंगे. चलो अभी देखो यहाँ पे, आपने तो ये सब सैंपल क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, लिखने की कोशिश मत करो, बहुत मिलेगा लिखने के लिए. यहाँ पे ध्यान दे दो, हमने ये साइन पुट किया यहाँ पे, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? किसमें नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? कोई भी है ऐसा जिसे डाउट नहीं? मैं फिर से बता दूं, क्योंकि मैं आगे बढ़ने के बाद फिर पीछे मुड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा.
तो अभी बता दीजिए, यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें साइन पुट कैसे करना है, किसी को नहीं समझ में आया? नो सर। ठीक है चलो, यहाँ पे देखो पहला कंडीशन हम लोग कैसे चेक करते थे, मैं आपको जनरल स्टेटमेंट का ले लेता हूँ। देखो पहले हम लोग कैसे करते थे, ए ग्रेटर देन बी, सी, और हमें कंक्लूजन यहाँ पे दिया होता था, ऐसा दिया रहता कंक्लूजन, बरोबर ना? एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया होता था और कंक्लूजन दिया होता। हम लोग क्या करते थे पहले, हम लोग क्या करते थे पहले, हम लोग कंक्लूजन को चेक करते थे कहां से कहां पे जाना है। जैसे हम लोग जनरली क्या करते थे, ए से ई में जाना है तो हम लोग ए से ई में जाते थे, सेम थिंग यहाँ पे करना है। बस फर्क क्या आ गया कि यहाँ पे कोड दिया है, कोड की जगह पे हमें साइन पहचानना है। ठीक है देखो यहाँ पे हमें जाना है एफ से आर में। देखो एफ कहाँ पे, यहाँ पे है, आर कहाँ पे, यहाँ पे। आप मुझे बताओ आप सीधा जा रहे हो कि उल्टा जा रहे हो? सीधा सीधा सीधा। तो जब हम सीधा जाएंगे क्या हम साइन चेंज करेंगे क्या? नहीं नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे एफ से एच में जाना है और डॉट कॉमा वाला है, तो हमें कॉमन पर्सन भी लेना पड़ता है ना। एच से ये एच में जाएंगे, फिर के में जाएंगे, फिर ये के से आर में जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे के से आर में जा सकेंगे। लेकिन देखो साइन चेंज नहीं करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा। देखो एफ से एच में जा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा साइन है? ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो आपको ना एक बार आपने बना लिया ना ये, तो आपको सब फिंगर का काम है। देखो यहाँ पे हैशटैग है ना, तो आप यहाँ पे हैशटैग पे फिंगर रखो। देखो यहाँ पे आप एच में गए, ये एच से आए, फिर एच से के में जाना है, यहाँ पे क्या है परसेंटेज दिख रहा है ना, परसेंटेज है यहाँ पे। हाँ सर। तो ये परसेंटेज देखो यहाँ पे है, अब ये दोनों में बड़ा साइन कौन सा होगा? ग्रेटर। तो यहाँ पे फिंगर रख लो। ठीक है अभी देखो आप ये के से ये के में गए, फिर आर में गए डॉलर, और ये दोनों मिला हमें, अब ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो बड़ा साइन कौन सा होता है? ग्रेटर। ग्रेटर, और ग्रेटर का साइन क्या दिया है? परसेंटेज। क्या यहाँ पे परसेंटेज है क्या? हाँ। तो हमारा हो जाएगा राइट। राइट समझ में आया कि? फिर से बताओ सर, फिर से बताओ। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे एफ से हमें आर में जाना है, किसने पूछा था कोई ये डाउट? किसने पूछा था? नीता। यहाँ पे देखो एफ से आर में जाना है, देखो एफ यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, बरोबर ना? तो हम लोग क्या चेक करते हैं पहले, एफ यहाँ पे है, आर यहाँ पे, सीधा जा रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेंगे, बरोबर ना? यस सर। तो देखो यहाँ पे आप एफ से एच में जा रहे हो, और एफ से एच में जाते वक्त आपको कौन सा साइन मिल रहा है? हैशटैग का मिल रहा है साइन। हाँ सर। और आपको क्या करना होगा, आप ऐसा लिखते मत जाओ कि, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो लेकिन आपको बहुत टाइम जाएगा। आप ऐसे ट्रेडिशनली मेथड में क्या कर सकते थे पता है, हैशटैग का जो साइन है यहाँ पे लिख लो, फिर आप एच से के में जाओगे तो ये मिला परसेंटेज का साइन, यहाँ पे परसेंटेज का साइन पे क्या लिखा है? ग्रेटर। तो आप ग्रेटर लिखो, फिर आप के से ये के में गए, फिर आप डॉलर मिला बीच में, और डॉलर का साइन क्या है? इज इक्वल, ये साइन मिला, और ये तीनों में बड़ा साइन कौन सा होता है? ये साइन होता है ना ग्रेटर। ग्रेटर का कोड क्या है? परसेंट। क्या यहाँ पे परसेंटेज है? नहीं सर। नहीं है सर, देख लो परसेंटेज है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो। हाँ बीज ऐसा लिखा हुआ है सर, परसेंटेज नहीं थी। ये क्या लिखा है यहाँ पे, क्या है नीता बताओ? हाँ वो तो परसेंट है सर। यहाँ पे है क्या परसेंटेज? नहीं सर। नहीं है? नहीं। अच्छा अब है? हाँ सर अभी है। हाँ अभी है ना, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है क्लियर, आपको समझा? हाँ सर समझा, थैंक यू। हाँ लेकिन देखो अगर आप ऐसा लिखते जाओगे आपको बहुत टाइम जाएगा, तो आप क्या करो पता है क्या, ये देखो ये हो गया जनरली वो लॉन्ग मेथड से करने का तरीका, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 10-10 सेकंड से बचाना पड़ता है क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है। देखो यहाँ पे एफ से एच में गए तो आप फिंगर रखो ना, लिखने की क्या जरूरत है, हमें पता है ना एफ से एच में गए तो हमें यह मिला हैशटैग, तो आपने यहाँ पे फिंगर रखा, और से ये एच में गए फिर के में जा रहे हो, फिर आपको क्या मिला? परसेंटेज। तो परसेंटेज यहाँ पे, तो आप ये दोनों में कंपेयर करो ना, बड़ा कौन सा होता है? ग्रेटर। ग्रेटर बड़ा हो तो मैंने डायरेक्ट क्या कर लिया, फिंगर यहाँ पे पुट कर लिया। फिर के से आर में गए, फिर मुझे हैशटैग मिला, देखो डॉलर मिला सॉरी, तो यहाँ पे डॉलर मिला, अब ये दोनों में बड़ा कौन सा साइन होता है? ग्रेटर। ग्रेटर, तो ग्रेटर का साइन देखो यहाँ पे क्या है, क्या
तो हमें यहाँ पे राइट करना है. अभी सेम थिंग, सेम थिंग देखो यहाँ पे F से हमें M में जाना है, F से M में जाना है, F यहाँ पे है, M यहाँ पे है. यहाँ तक तो हमको ग्रेटर मिला था ना, R तक ग्रेटर मिला था ना यहाँ पे. हाँ सर. हाँ तो M में जाना है ना, फिर वापस तो जर्नी तो वही है ना, तो साइन तो यही मिलेगा ना. यस सर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे R में गए, फिर R और कॉपी राइट है, R और कॉपी राइट मिला. अब देखो यहाँ पे साइन अपोजिट हो गया ना. यस सर. साइन अपोजिट होता है तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग. ये आपको डिटेल में बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन कि कैसे रॉन्ग हुआ बताओ. देखो यहाँ पे आप लोगों का आवाज ही नहीं आ रहा, क्या बात है, एनर्जी लो है पूरा. समझ गया सर. बाकी लोगों को समझा क्या? अटक रहा है ना. हाँ सर. जी सर समझा. अनिकेत सर किसे बताना है बताइए ना. अनिकेत आपने बोला. हेलो सर. हाँ अनिकेत बोलिए ना. हाँ सर लास्ट वाला बताइए ना सर. हाँ देखो यहाँ, हाँ देखो यहाँ पे अनिकेत F से M में जाना है. देखो यहाँ पे पहला हम लोग क्या करते थे, F से M में जाना है, तो पहले आप देखोगे F यहाँ पे है और M यहाँ पे है, बरोबर ना. अनिकेत यहाँ पे ध्यान दो, पहले आप क्या करोगे, F से H में जाओगे, फिर यहाँ पे H पे आओगे, H से K में जाओगे, फिर ये K से R में जाओगे, फिर ये R से M में जाओगे. सीधा जा रहे हो, साइन चेंज करोगे क्या? नहीं नहीं करोगे. तो देखो यहाँ पे F से H में जा रहे हो, तो F से H में आपको क्या कौन सा साइन मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे हैशटैग मिला, तो आप हैशटैग पे फिंगर रखो. फिर ये एच में जाने के बाद आप कॉमन पर्सन के यहाँ पे थ्रू जाओगे, तो ये एच में जाओगे, तो ये एच से निकलोगे ना. फिर आप के में जाओगे, फिर के में जाते हो आपको क्या मिला, डॉलर. क्या मिला एक डॉलर साइन है ना. डॉलर परसेंट. सर किधर ध्यान है सर. परसेंट सर. परसेंट है. वेरी गुड. मैं ये चेक कर रहा था कि आप पूरा. चलो यहाँ पे परसेंटेज. तो देखो यहाँ पे आप बताओ मुझे, ये हैशटैग अब परसेंटेज, ये दोनों साइन में से बड़ा साइन कौन सा होता है? ग्रेटर, ग्रेटर साइन. ग्रेटर साइन बड़ा होता है. तो आप यह क्या करोगे, आपका फिंगर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे स्विच करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिर ये के से ये के में गए, फिर ये के से आर में जाना, आपको कौन सा साइन मिला, डॉलर का साइन मिला. और डॉलर का साइन मिला मतलब ये दोनों में आपको कंपेयर करना है. आप ये बताओ ये दोनों में बड़ा साइन कौन सा होता है? तो आपको फिंगर यहाँ पे ही रखना है. ठीक है, फिर आप ये आर से ये आर में गए, फिर ये आर से एम में जा रहे, और यहाँ ये कौन सा साइन है, कॉपीराइट. ठीक है, यहाँ पे कॉपीराइट पे देखो, कॉपीराइट. आप मेरे को बात बताओ, ये देखो ये साइन मिला मुझे, पहले मेरा ये साइन था, फिर मुझे मिला कॉपीराइट. ग्रेटर साइन बड़ा है. ग्रेटर साइन बड़ा है. सब बड़ा कैसे हो जाएगा? मैंने क्या कहा था, बड़ा कभी होता है जब आपके साइन का डायरेक्शन एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन. साइन साइन कैंसिल होगा सर. साइन कैंसिल होगा. हाँ कैंसिल होगा. ये देखो अपोजिट आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. क्योंकि देखो और जनरली क्या करना है, तो ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया. और थोड़ा देखो यहाँ पे आपको स्विच कैसा करना है, आप इस तरीके से इस तरीके में स्विच कर सकते हो, आप इधर से इधर स्विच कर सकते हो. लेकिन जब ये क्रॉस स्विच आता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस स्विच आया था, यहाँ पे देखो एफ और एम में ये क्रॉस स्विच आया था, बरोबर. जब भी क्रॉस आता है तभी आप समझ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्रॉस ही करना है. हाँ सर समझ गए. अभी देखो यहाँ से और ये क्रॉस आया, तो ये साइन तो अपोजिट ही हो गया ना. ये देखो ये साइन दिया और ये साइन दिया, तो ये क्रॉस हो गया ना अपोजिट. तो सीधा वो कैंसिल करना है. अगर यहाँ से भी देखो क्रॉस ही हो रहा है ना, ये साइन आ गया, कैंसिल होगा. बस ये था आपको समझाने के लिए. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं तीसरा कंक्लूजन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं ले लेता हूँ M hashtag H. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये तो हो गया, सीधे तरीके से जा रहे थे तो सीधा साइन रखना था. अभी देखो M यहाँ पे है और H यहाँ पे, तो M से H में जाना है. सीधा जा रहा हूँ कि उल्टा जा रहा हूँ, आप मुझे बताइए. उल्टे जा रहा हूँ. तो साइन चेंज होएगा. वेरी गुड, वेरी गुड सर. यहाँ पे देखो पहले आप क्या करोगे, M से R में जाओगे, तो M से R में जा रहे हो, तो देखो कॉपीराइट बीच में आ रहा है, और इसका अपोजिट साइन कौन सा होता है, ये हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए. देखो यस सर. पता नहीं सर. समझ समझ रहे हैं सर. देखो एम से आप आर में जा रहे हो, आपको कॉपीराइट मिला, लेकिन आपको साइन कॉपीराइट का क्या दिया है,
स्मॉलर देन इज इक्वल दिया तो आप उल्टा आ रहे हो, तो ये बन के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। तो ग्रेटर देन इज इक्वल बन रहा है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे स्विच करो फिंगर को, ये साइन उल्टा हो गया ना, तो ये स्विच करना, यहाँ पे उल्टा हो गया तो यहाँ स्विच करना, इसका उल्टा यहाँ पे स्विच होगा और इसका उल्टा यहाँ पे स्विच होगा, ये टाइम बचाने के लिए ये फॉर्मेट है। देखो आर से एम में गए, उल्टा आ रहे हो, ये ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिंगर रखो, फिर ये आर से के में जाओगे तो उल्टा जा रहे हो, तो डॉलर उल्टा करो सीधा करो, इज इक्वल, कभी उल्टा सीधा होता है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं होता। तो आपको फिंगर यहाँ पे रखना है, फिर के से आप एच में जा रहे हो, तो के से एच में जा रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा साइन दिया है, परसेंटेज कौन सा दिया है, परसेंटेज दिया है। तो लेकिन आप उल्टा आ रहे हो ना, के से एच में उल्टा आ रहे हो ना, तो परसेंटेज चेंज को होके क्या हो जाएगा, एट द रेट, और ये दोनों हो गया क्रॉस, क्रॉस हो गया ना कंपेयर करने के लिए, तो ये हो जाएगा कैंसल। समझा आपको साइन कैसे उल्टा करना है? अगर सीधा जा रहे हैं तो एज इट इज फिंगर रखने हैं, अगर आप उल्टा जा रहे हो तो ये साइन बदल के ये साइन हो जाएगा, और ये साइन बदल के ये साइन हो जाएगा, अगर आप उल्टा आ रहे हो, अगर आप उल्टा आ रहे हो तो ये साइन बदल के ये हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल, जब वो उल्टा हम लोग डायरेक्शन में आते हैं तो क्या बन जाता है, स्मॉलर देन इज इक्वल बनता है कि नहीं बनता है? जैसे देखो है। अभी देखो यहाँ पे ए, अगर मैं आपसे बोलूं ये कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन दिया है, तो देखो यहाँ पे सी से ई में जाना है, सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे, उल्टा हो गए तो ग्रेटर देन इज इक्वल क्या बन जाएगा, साइन चेंज होके उल्टा क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन इज इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा कंक्लूजन राइट होगा कि रॉन्ग होगा? राइट होगा ना। तो सेम थिंग देखो, तो यहाँ पे स्मॉलर देन इज इक्वल जब उल्टे आओगे तो ग्रेटर देन इज इक्वल बनेगा, तो आपको फिंगर यहाँ पे स्विच करना होगा जब आप उल्टा होगे तो। हाँ सर, तो हमने ये कंडीशन में चेक किया था। तो किसी को डाउट है इसमें, जिसे समझ में नहीं आ रहा? न्यू स्टूडेंट्स को छोड़ के विवेक एंड क्या नाम है उनका, हर्षद, ये दोनों लोग को छोड़ के बाकी किसी को डाउट है? नो सर। ओके चलो अब इसका क्वेश्चंस लेते प्रॉपर, आप लोग बताइए। ये कंडीशन एज इट इज रखता हूं मैं, इसके ऊपर ही स्टेटमेंट ले लेता हूं। लिखना है सर? हाँ लिखो, इसको सॉल्व करना है ना, लिख लो। चलो बताओ कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। और ये कंडीशन सेम है, ये कंडीशन के ऊपर ये स्टेटमेंट लिया मैंने। किसी का ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ओनली वन फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, या नीदर नॉर आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं सर।
चलिए बोथ फॉलो बोथ फॉलो ओनली वन फॉलोअर रोहित ओके चलो यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करते हैं P से हमें L में जाना है देखो यहाँ पे P यहाँ पे भी है और P यहाँ पे भी है लेकिन हम कौन सा P लेंगे जो L यहाँ पे तो ये दोनों में जो कॉमन होगा वो P हम लोग पहले चूज करेंगे तो देखो ये वाले P में V आ रहा है क्या ये इसमें V है क्या नहीं नहीं है बट ये वाले P में D कॉमन है तो ये वाला P लेंगे ना हम लोग ये वाला हाँ. P लेंगे फिर तो देखो यहाँ पे P से D में जा रहे फिर D से L में जाना है उल्टा आ रहे साइन उल्टा होगा कि नहीं होगा होगा देखो यहाँ P से D में जा रहे हो कॉपीराइट बन के क्या बन जाएगा हैशटैग हैशटैग बन जाएगा फिंगर यहाँ पे रखना है ठीक है यहाँ पे फिंगर रखना है फिर ये D से आप ये D में गए फिर ये D से आप L में जाओगे मतलब इधर जाओगे L में तो एट द रेट बन के क्या बन जाएगा ये परसेंटेज और हमें ये दो साइन मिला और ये दोनों में बड़ा कौन सा होता है ऑलवेज ये बड़ा ये हमारा हो जाएगा राइट किसका आंसर नहीं आया था ऐसा कुछ सेकंड सर मेरा नहीं आया था सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग आ रहा है शायद लेकिन समझा मैम निदान आपको समझा कि कहां पे मिस्टेक्स हो रहा है ओके चलो सेकंड किसका रॉन्ग आ रहा है मेरा अनिकेत आपका रॉन्ग आ रहा है क्या चलो देखते हैं राइट के रॉन्ग देखते हैं देखो यहां पे जी से पी में जाना है जी यहां पे है हां हां देखते हैं जी यहाँ पे और पी यहाँ पे तो पहले देखो जी से वी में जाएंगे फिर वी से पी में जाएंगे उल्टा आ रहे कि सीधा आ रहे उल्टा उल्टा आ रहे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज उल्टा ये मैं बार बार आपसे क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको ये हैबिट हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि उल्टा हो गए तो उल्टा साइन करना है सीधा आए हुए तो सीधा साइन करना है इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है तो देखो जी से वी में आप आओगे कौन सा साइन दिया है ये वाला साइन दिया है तो ये वाला साइन उल्टा हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा ना हाँ ये वाला साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा ये साइन बन जाएगा अभी हमारे पास एट द रेट है अभी यहाँ पे देखो ये वी से आप ये वी में आ गए फिर वी से पी में जाना है तो हैशटैग है और हैशटैग मतलब ये और साइन जब अब उल्टा हो गया तो साइन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा बरोबर की नहीं हाँ तो ये हो जाएगा ये वाला साइन ये बन के ये वाला साइन बन जाएगा तो मुझे दो साइन मिला अब ये दोनों साइन में कंपेयर करूं तो बड़ा वाला साइन कौन सा होता है ये साइन होता है ग्रेटर क्या यहाँ पे ग्रेटर हाँ जो भी है यहाँ पे एट द रेट का जो साइन मिल रहा है क्या यहाँ पे है क्या हाँ है राइट ये हमारा हो जाएगा राइट इट मींस बोथ कंक्लूजन फॉलोड ठीक है किसका रॉन्ग आया था सेकंड शायद किसी का रॉन्ग आया था उन्होंने चेक किया कहाँ पे मिस्टेक हुआ किसका रॉन्ग आया था अनिकेत का रॉन्ग आया था ना शायद चलो कोई सर, कर लिया okay, सर आपको समझा ना अनिकेत कि कहाँ पे मिस्टेक हो आपने कहाँ पे छोटी सी मिस्टेक ओके कोई बात चलो आगे आगे लेते हैं इसके ऊपर और क्वेश्चंस लेते चलिए सॉल्व करिए इसे सर नाइदर नॉर Neither nor. Very good. Very good. Neither one nor second. दोनों wrong आ गया. चलो. Yes sir. और किसी का answer आ रहा है? Sir, neither first, neither second. Very good, Renu. चलो और बाकी लोगों का आंसर हर्षद आपको समझ आया
विवेक अर्षद आपको कुछ समझ रहा है कि थोड़ा सर समझ रहा है, ट्राई कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ ट्राई करो ट्राई करो। विवेक आप ट्राई कर रहे हो? विवेक तो चला है। सर नाइदर नॉट। वेरी गुड वेरी गुड। यस सर नाइदर नॉट। वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। H से W में जाना है, H यहाँ पे है और W यहाँ पे, आप उल्टा आ रहे हो तो साइन भी क्या हो जाएगा? उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको ना लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे एट द रेट दिया है, एट द रेट चेंज होके ये हो जाएगा, और डॉलर दिया है तो ये डॉलर में कंपेयर किया तो मेरा फिंगर यहाँ पे है क्योंकि ये पड़ा है, फिर कॉपीराइट गया, कॉपीराइट ये होके ये चेंज हो जाएगा और ये परसेंटेज यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन आया क्या? हैशटैग। तो क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग। ठीक है यहाँ तक तो आ गए। अब एच से ई में जाना, ई तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ तक साइन हमें क्या मिला था? यही साइन मिला था ना। W तक हमें साइन क्या मिला था? ग्रेटर साइन मिला था ना। तो हाँ। देखो ये W से W V में जाओगे तो यहाँ पे आ गया परसेंटेज, तो परसेंटेज का उल्टा क्या हो जाएगा? एट द रेट, और दोनों क्या हो गए? साइन अपोजिट, और दोनों अपोजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसल, और कैंसल हो जाएगा तो रॉन्ग। क्या समझ में आया कि वापस एकदम इसे मतलब समझाना? बाकी लोगों को समझाना? हाँ सर। ठीक है चलो। अब देखो इसको शॉर्टकट करने का तरीका बताया तुम्हें। देखो यहाँ और भी थोड़ा इजी करते हैं। देखो यहाँ पे अब तो ये हो गया, थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं आप बैठे बैठे देख सकते हो। कैसे देखना मैं आपको बताऊँ? सिर्फ आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उल्टा आ रहे हो सीधा आ रहे हो, साइन कैसे चेंज करना है। देखो यहाँ पे कोई बुक में मत देखो, यहाँ पे देखो एच से डब्ल्यू में जाना है। आपने देखा एच यहाँ पे है, W यहाँ पे, आपके माइंड में पहली बात ये आ गई भाई मैं उल्टा आ रहा हूँ साइन उल्टा करूंगा। तो देखो यहाँ पे H से T में आ गए, आपने ये साइन रखा, एज इट इज रखो, साइन एज इट इज रखो, उल्टा मत करो, ये साइन रखा। फिर आप T से ये डॉलर में आ गए, फिर भी आपने यही साइन रखा, ठीक है, आपको यही साइन मिला, बरोबर ना? आवाज आ रही स्टूडेंट्स? तो यही साइन रखा आपने, चेंज नहीं किया आपने, यहाँ पे स्विच नहीं किया, स्विच नहीं किया, ठीक है, आप इसी रखो। आज जनरली हम लोग क्या करते हैं, उल्टा आएंगे तो स्विच करते हैं ना, हम लोग एक साथ बाद में स्विच कर लेंगे। तो ये दोनों में कंपेयर किया तो ये साइन मिला। फिर आप क्यू में आ गए, क्यू से डब्ल्यू, कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब अब ये दोनों साइन मिला मुझे। ये दोनों में बड़ा कौन सा होता है? स्मॉलर। स्मॉलर, लेकिन हम लोग उल्टा आ रहे थे ना, तो इसको स्विच कर दो, यहाँ पे उल्टा आ रहे थे ना, साइन उल्टा हो जाएगा ना। हाँ। तो मिल गया परसेंटेज चाहिए था, लेकिन क्या मिला? हैशटैग मिला। ऐसे ही आपको करना है सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, ये हो गया शॉर्टकट्स, लेकिन पहले आप लॉन्ग कट सीख लो, उसके बाद शॉर्टकट्स अपने आप आ जाएंगे। चलो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? हाँ सर। यहाँ पे चलिए सॉल्व करिए, बताइए। सर ये भी नाइदर नॉर ही आ रहा है। नाइदर नॉर ही आ रहा है क्या? हाँ। चेक करके, चेक करके बाकी लोगों का देखते हैं। दोनों रॉन्ग है सर। दोनों रॉन्ग है। डिंपल जोशी का भी आंसर आ गया, उज्ज्वला का भी आंसर आ गया। वेरी गुड। देख के समझ में आ रहा है क्वेश्चंस सर। नेदर और नीता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। दोनों नेदर मार। वेरी गुड अर्षद। वेरी गुड वेरी गुड
दोनों नेदर नॉर है सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एल से एच में जाना है, एल यहाँ पे है एच यहाँ पे है, तो आप उल्टा आ रहे हो, साइन क्या करोगे आप उल्टा करोगे। तो देखो यहाँ पे डॉलर दिया है, डॉलर मतलब इज इक्वल दिया, और ये कभी उल्टा नहीं होता है, ये एज इट इज होता है। तो डॉलर मिला तो इसको ऐसे ही रखो, फिर आई से आप आई में गए, फिर आई से एच में जा रहे हो, तो ये क्या दिया है आपका परसेंटेज दिया है, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एट द रेट। अब डॉलर और एट द रेट में बड़ा कौन सा साइन है? एट द रेट। एट द रेट क्या यहाँ पे एट द रेट होना चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ पे है क्या? नहीं नहीं है, तो ये हमारा होगा ठीक है। सबको आया? बाकी लोग जिन्होंने मतलब आंसर नहीं किया था वहां पे प्लीज चेक कर लो। सर आपका वीडियो पॉज में, किसी को डाउट यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन? सर वीडियो पॉज होता है बीच-बीच में। हाँ वो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, फिर भी मैंने हॉटस्पॉट्स पे चालू किया, वो वाईफाई का इशू है थोड़ा सा। चलो देख लो यहाँ पे पहला कंक्लूजन आपको समझ में आया ना, बाकी लोगों को? आया ना? ठीक है। जे से आई में जाना, देखो जे यहाँ पे है और आई यहाँ पे है, आप सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो? सीधा सीधा जा रहे हो। देखो यहाँ पे जैसे आप टी में गए कॉपीराइट मिला, आप यहाँ पे फिंगर रखोगे कॉपीराइट पे, फिर ये टी से ये टी में गए एट द रेट मिला, तो कॉपीराइट भी मिला और एट द रेट भी मिला, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों में कंपेयर करूंगा कि बड़ा कौन सा, तो मुझे क्या मिला ये बड़ा मिला, तो मैं फिंगर यहाँ पे स्विच कर लूंगा ठीक है। फिर ये फिर ये एच से ये एच में जाऊंगा, फिर एच से आई में जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे? परसेंटेज मिला। अब देखो यहाँ पे स्विच तो करना नहीं है, उल्टा तो करना नहीं, क्योंकि तो मैं सीधा जा रहा हूँ, तो साइन तो चेंज करने के सवाल ही नहीं उठता, तो मुझे दो चीज मिली, यहाँ तो परसेंटेज मिला और एट द रेट मिला, लेकिन ये साइन दोनों अपोजिट है, और दोनों अपोजिट साइन होगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन पे किस पे टिक करेंगे? नाइदर नॉर, वन नॉर सेकंड फॉलो ठीक है। चलो कोई डिफिकल्ट है क्या इतना? नहीं सर। बहुत लोग क्या करते हैं मतलब इसको ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, मतलब पूरा लिखते हैं ऐसा ऐसा बना के लिखते हैं पूरा, फिर बाद में मालूम पड़ा पांच मिनट में एक क्वेश्चन बना। थोड़ा मिक्सअप का दो ना, जैसे आप ये सीक्वेंस से दे रहे हो ना, आर से क्यू फिर क्यू से पी फिर पी से भी ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ हाँ तो अभी आप थोड़ा मिक्सअप करके दो ना, मतलब जैसे आर से क्यू पे गए फिर डायरेक्ट वी से पी पे लेके जाएं, फिर इस तरीके से। मैं सब दूंगा, पहला फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचो, फिर सेकंड फ्लोर पे लेके जाऊंगा, डायरेक्ट आप फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच जाओ। सर ये होम नहीं, ये मैं आपको इजी क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ कि आपको राइट लेफ्ट पता चले, और आपको ये कैसे पकड़ना टैकल कैसे करना वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये एक एक्चुअली आपके लिए वो एक्सरसाइज है। आपको आपको टफ क्वेश्चन अभी मैं लूंगा आपसे, ये आपका लेवल वन है जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कोई मतलब नहीं है फिर आगे बढ़ने का। ओके चलो ये एक सॉल्व करो जरा। बोथ रॉन्ग है क्या? अच्छा तो क्या टिक कर दिया? आइदर और किसने बोला? नहीं 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 आइदर और है। आइदर और किसने बोला? सुनीता। वेरी गुड सुनीता। आइदर और है। वेरी गुड आइदर और है सर। आइदर और है सर। वेरी गुड अलमीरा अपेक्षा। आइदर और और दोनों के नाम सेम है, तो आइदर और पे टिक करना, नाइदर नॉर पे टिक नहीं करना। तो मैंने आपके एग्जांपल्स सारे ले लिए, सो सॉल्व करूं क्या मैं? देखो सर उसमें पर फिर दो ही मिल रहे हैं ना, ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू मिल नहीं रहा। नहीं उज्ज्वला यहाँ पे देखो कोडेड में, देखो मैं आपको बताता हूँ, आर से पी में जाना है, आर यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, पी से आप सीधा जा रहे हो आर से पी में, तो साइन चेंज करोगे क्या? नहीं चेंज करोगे, तो आर से क्यू में जाओगे, तो क्यू के बीच में कौन सा साइन मिला? एट द रेट का साइन मिला,
ठीक है, फिर क्यू से आप पी में गए, फिर ये साइन मिल गया, दोनों क्या हो गया, क्रॉस, दोनों क्रॉस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। और यहाँ पे भी तो सेम ही होगा ना, ये भी तो सेम ही होगा ना, क्रॉस ही होगा ना, होगा कि नहीं? हाँ, आप चेक करो, आप चेक करो, अभी यहाँ से आप R से Q में गए तो हमें कौन सा साइन मिला था, ये साइन मिला था और ये साइन मिला था, यस बरोबर। अब R से P में गए, हैश का मतलब क्या होता है, ये साइन होता है, यस क्या, तो ये साइन और ये साइन मिलाने, ये साइन बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, इस साइन की जरूरत होती है, तो अब ये दोनों को मिला कि ये साइन बनता है, यस सर। तो क्या हमारा तीनों साइन आया कि नहीं आया सर? नहीं आया। अरे मैडम कैसे नहीं आया, देखो यहाँ पे ये हैशटैग का मतलब क्या होता है। नहीं नहीं सर, क्वेश्चन में नहीं आया ना मतलब। एक मिनट देखो, यहाँ पे आर से पी में गए, यहाँ पे ये साइन मिला था, मिला था, तो ये दोनों कैंसिल हो गया था, ठीक है ना। अब आर से पी में यहाँ पे भी जाओगे तो यही दोनों साइन मिलने वाला है ना। हाँ, लेकिन हैशटैग में कौन सा साइन दिया है, ये साइन दिया है सर। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो क्वेश्चन में दिया नहीं है ना, ग्रेटर और लेस देन, दो ही आ रहे हैं सिर्फ। हाँ, ये दोनों आ रहे हैं बरोबर। हाँ, पर इक्वल टू का कोई, या तो इक्वल मिल जाता तो हमारा पूरा बन जाता, ठीक है ना, पर वो क्वेश्चन में, हाँ सर क्वेश्चन में आ रहा है, बट देखो ना क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में है यहाँ पे, तो फॉलो हो रहा है ना। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं है, आपका उसमें मतलब एक इक्वल टू आना चाहिए था ना, मतलब उसमें आपने जो लिखा है ना, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू में। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम में आपको बताया, स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम में हमें प्रॉपर मिलता था ग्रेटर स्मॉलर इज इक्वल, हम लोग कंक्लूजन सभी हमारा राइट होता था, राइट होता था। और कंक्लूजन ये कोडेड वाले प्रॉब्लम है, कंक्लूजन भी चेक करना होता है, पूरा चेक करना पड़ता है। इसे देखो, और मेरा कहना यही है कि स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा है ना वो इक्वल टू का कुछ भी। हाँ, स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा है ना, ये दो साइन मिल रहा है, देखो मतलब यही दो साइन हो गया ना। हाँ, और हैशटैग मतलब, ये हैशटैग का मतलब क्या हो गया, ये साइन मिल रहा है ना। हाँ, तो ये कंक्लूजन भी चेक करना होता कोडेड में। हाँ, पर स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा है, यही मैं बोल रही हूँ सर। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, मुझे तो कंक्लूजन में ही नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे, बोलो सर। स्टेटमेंट इधर और के क्वेश्चन में बताया था आपने ऐसा देखने का कंक्लूजन को भी। हाँ, मैंने बोला था कि स्टेटमेंट में, जैसे एग्जांपल, जैसे स्टेटमेंट में मैंने बताया था, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ले लो टेक्निकली। नहीं सर, आप बोल रहे हो बराबर है, स्टेटमेंट में भी चेक करना होता, मैंने ये बताया था ना। स्टेटमेंट में चेक करना होता, मैंने ये बताया था ना कि मतलब स्टेटमेंट में भी वो साइन नीचे जो रहता है, फॉर एग्जांपल अगर ये साइन आया और ये साइन आया और यहाँ पे ऐसा दिया है कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर टू और यहाँ पे ऐसा दिया है, तो ये साइन एग्जैक्टली नहीं है तो ये रॉन्ग करना है, और ये दोनों साइन मिला कि ये साइन स्टेटमेंट में होना चाहिए, मैंने ये बताया था ना। यस सर, पढ़ाया था आपने। हाँ हाँ, तो ये साइन देखो, आर से पी में जाते हो, मुझे दो ही साइन मिल रहा है ना। हाँ सर, एक एक मिनट, मेरे एक क्वेश्चन लिखिए ना, ए ग्रेटर देन बी आनी लेस देन सी, ए ग्रेटर देन सी आनी ए ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू सी, सो ये राइट होगा क्या? नहीं, ये आपने वही तो लिखा है ना। हाँ, तो निधर नॉरी बोल रहा हूँ ना, मैं निधर नॉरी बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा बोला क्या? इधर और बोले थे ना सर आप। हाँ, ओके ओके सॉरी, चलो माय मिस्टेक्स, मैं अपना वर्ड्स वापस दे रहा हूँ, अपने शब्द वापस लेना चाहता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आर से क्यू, एक्चुअली मैं समझा वही रहा हूँ, निखिल इधर और बोल रहा हूँ मैं, ऐसा हो गया सॉरी। चलो यहाँ पे देखो, आर से क्यू, यहाँ पे दो साइन है, ये साइन आया, ठीक है, तो ये रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग हुआ, लेकिन हैशटैग यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो ये साइन आ रहा है और यहाँ पे एट द रेट में हमें दो साइन मिल रहा है, लेकिन इजीकॉल का साइन मिल रहा है क्या? नहीं सर, नहीं मिल रहा है, तो इजीकॉल का साइन नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट तो यहाँ पे सेम हो गया, लेकिन ये साइन इजीकॉल का नहीं मिलने की वजह से ये आ जाएगा नेदर नॉट, मैं आइदर और बोला सॉरी, माय वर्ड्स, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ सर, बट वो उसमें इक्वल आ गया ना, स्मॉलर देन इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, इसमें इजीकॉल आया है लेकिन वो इजीकॉल नहीं होगा, क्योंकि वो कंक्लूजन है, हमें स्टेटमेंट में चेक करना होता है, जो मैंने अभी बताया था। देखो यार,
इसके लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, जैसे देखो यहाँ पे स्टेटमेंट था, फॉर एग्जांपल ले लो यहाँ पे स्टेटमेंट, अब ये बताओ मैंने ये बताया था ना ए से ई ग्रेटर साइन है, क्या यहाँ पे ए से ई में ग्रेटर साइन है क्या? नहीं नहीं सर, ये रॉन्ग हो जाएगा, यह भी रॉन्ग हो जाएगा ऑटोमेटिक, बरोबर। लेकिन ये दोनों साइन मिला के क्या बनता है? ग्रेटर देन इज इक्वल बनता है। तो ये साइन यहाँ पे है क्या? हाँ सर। तो फिर ये आइदर और में आएगा, आइदर और में, और ये साइन यहाँ पे मेरे को क्या मिला था? एट द रेट में जाते हो मुझे क्या मिला था? एट द रेट से देखो यहाँ, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ ये समझा ना आपको बेसिक में। हाँ अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जाते हो देखो, आर से क्यू में जाते हो क्या मिला मुझे? क्यू का क्या साइन है? स्मॉलर। फिर क्यू से पी में गए, यहाँ पे आ गया ग्रेटर। तो ये दो साइन मिल रहा है, अपोजिट अपोजिट मिल रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा ना ऑटोमेटिक, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दो साइन मिल रहा है, लेकिन चलो ये दो साइन में से ये वाला कंडीशन तो फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये साइन यहाँ पे आ रहा है तो ये साइन मैच हो रहा है। लेकिन आर से पी में जाते हो और हैशटैग का मतलब क्या था यहाँ पे? ग्रेटर देन इज इक्वल। लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट में कहीं पे भी इज इक्वल है क्या? नहीं नहीं है। अगर आप ऊपर वाला अगर स्टेटमेंट अगर इज इक्वल होता तो तीनों साइन आ गया ना, और ये तीनों साइन आता तो इट मीन्स ये भी साइन फॉलो करता और ये भी साइन फॉलो करता, तो इन सब जाके आइदर और बनता। रफ कर दूं? यस सर। अभी आपको कंडीशन आपको ही बनाना है, आपको कंडीशन लिख के दूंगा, आपको ही बनाना है। और यही सर, अभी जो था वो नाइदर नॉर ही था ना, आइदर और नहीं था ना सर? नहीं नाइदर नॉर था, मेरा मिस्टेक हुआ, चलो यार मेरी गलती। बट आपने बोले कि आर और पी है, आर और पी है दोनों में नाम सेम है, तो आइदर और सेम होता है। हां हां सब्जेक्ट देखो आर और पी नाइदर नॉर में भी होता है। रूल नंबर और रूल नंबर 3 फॉलो नहीं किया ना बस, रूल नंबर 3 फॉलो नहीं किया। देखो नाइदर नॉर में और आइदर और में देखो कॉमन क्या है, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तब हम लोग नाइदर नॉर पे टिक करते हैं, बरोबर ना? और आइदर और में क्या करते हैं हम लोग, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, तो यहाँ पे भी रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे भी और रॉन्ग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का कुछ भी मैटर नहीं होता, यहाँ पे सब्जेक्ट सेम भी हो सकता है या फिर सेम नहीं हो सकता, बट आइदर और के केस में ऑलवेज सब्जेक्ट सेम होता है, मैच होता है, तो ये आइदर और के केस में जाएगा, बस दोनों में डिफरेंसेस यही है। और यहाँ पे साइन चेंज कर, साइन मैच करना पड़ता है, यहाँ पे साइन का कुछ भी इशू नहीं होता है, समझ गए? चलो स्टेटमेंट लू क्या मैं आगे? Yes, sir. चलो आप लोग ही कंडीशन बनाइए और फिर बाद में स्टेटमेंट लेते हैं, चलो साथ में लिख लो। आप ये सोचना है ना तो सर वो पी डॉलर है ना, पी डॉलर क्यू ना, ये नहीं है स्टार है, स्टार है क्या? ओके स्टार लिखना है सर। हाँ लिखो ना, Thank you.
पहले ये बनाइए, कंडीशन बनाइए. सर पी परसेंटेज क्यू वाला हाफ समझा नहीं मुझे. पी परसेंटेज क्यू, पी इज नीदर स्मॉलर नॉर, मैंने कुछ लिख के नॉर आएगा यहाँ, नॉर इक्वल टू पी डॉलर क्यू, पी इज नेदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, पी इज नेदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, पी इज नेदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, पी इज नॉट फर्स्ट एंड फोर्थ सेम है, फर्स्ट एंड फोर्थ इज सेम, फर्स्ट एंड फोर्थ सेम हो गया ना अभी. प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, स्मॉलर देन नॉर, हां एक मिनट चेक करने दो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहेगा. पी इज नेदर स्मॉलर देन नॉर क्यू, पी इज नेदर ग्रेटर देन नॉर, पी इज नेदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू क्यू, पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू. यहां पे लिख लो, यहां पे एक उन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है. अब देखो चारों मिल जाएगा, नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नॉट ग्रेटर नॉर स्मॉलर. हाँ चारों मिल गए, पांचों मिल गए. देखो यहाँ पे हो गया सर, हो गया ना, कंडीशन बन गया सबका. फोर्थ वाला चेंज करना है ना सर, बना दिए. फोर्थ वाला चेंज कर दो. कंडीशन बन गया, कंडीशन बन गया, ठीक है. बाकी लोगों का बन गया कंडीशन, हो गया सबका, बना कि नहीं बना? बना सर. ओके okay, मैं बताऊँ इसको, समझाओ कैसे बनाना है. सर एक मिनट, सर एक मिनट. हाँ 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 बना लो. सर हो गया डिंपल? हाँ सर हो गया सर. अच्छा नहीं बन रहा डिंपल? नहीं हो गया. एक एक मिनट, डिंपल नहीं बना? नहीं बना सर. ओके चलो यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ कैसे. पहले आपको बॉक्सेस बनाने हैं, फिर आपको साइन यहाँ पे पुट करना है. ओके
और साइन पुट करते हो, इस बात का ध्यान दो आप, अगर आपने ग्रेटर यहाँ पे लिया है तो ग्रेटर का अपोजिट सामने लेना है, अगर आपने ग्रेटर देन इज इक्वल यहाँ पे लिया है तो इसका अपोजिट हेलो वीडियो अटक गया सर, आपकी वीडियो और आवाज दोनों अटक गई है। हेलो सर, वीडियो अटक गया आपका। वीडियो अटक गया सर। क्लियर आते होगे सबका? अटक गया। हां सर। हां ठीक है, यहां पे देखो। हां चालू हो गए, सबको दिख रहा है? हां सर। चलो यहां पे देखो, P स्टार Q का मतलब क्या है? उज्ज्वल यहां पे ध्यान देना, यहां पे हमारे पास तीन साइन होता है, ग्रेटर देन। देखो यहाँ पे P स्टार Q मतलब P इज नाइदर स्मॉलर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। डिंपल जोशी, सॉरी सॉरी, हाँ बोलिए डिंपल, बोलिए डिंपल, आपको डाउट था ना? सर वीडियो अटक गया था। नहीं, बाकी लोग को क्लियर आ रहा है? यस सर। वीडियो नहीं अटका है, क्लियर आ रहा ना वीडियो? हाँ चालू है, चालू है। हाँ अभी बराबर है, पहले अटक गया था। ठीक है कोई बात नहीं। डिंपल यहाँ पे ध्यान दो, P स्टार Q का मतलब क्या आता है? P is neither, neither मतलब कट करना है, ठीक है? P is neither smaller than nor equal to, ना तो वो smaller है, ना तो वो equal है, तो बचा क्या? Greater। उज्ज्वल प्लीज आंसर करो। Greater is greater। Greater कैसे आया समझा ना आपको, ना तो वो smaller है तो ये smaller नहीं लेना है, ना तो वो इक्वल है तो ये इक्वल नहीं लेना है, तो बचेगा ग्रेटर, तो ग्रेटर की जगह पे आपको क्या करना है, ये साइन यहाँ पे पुट करना है, स्टार पुट करना है। अभी यहाँ पे देखो, P कॉपीराइट क्यों मतलब P नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना तो वो ग्रेटर है ना तो वो इक्वल है, तो बचा क्या? लेस देन स्मॉलर, तो यहाँ पे आएगा कॉपीराइट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, P एट द रेट Q मतलब क्या होता है? P इज नॉट ग्रेटर देन Q, वो ग्रेटर नहीं है, एक ही साइन दिया है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, यहाँ पे ग्रेटर नहीं है, ये दो साइन बचा तो लेस देन इज इक्वल होएगा, तो यहाँ पे एट द रेट का कॉपी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज का देखो यहाँ पे, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P जो है स्मॉलर नहीं है तो बचेगा कौन सा? स्मॉलर अगर नहीं है तो ग्रेटर देन इज इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा परसेंटेज, अब बचा वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डॉलर डॉलर, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। ओके स्टेटमेंट सर। हाँ बोलिए ना डिंपल। P is not greater than Q मतलब वो लेस वाला होता है ना? देखो तीन साइन है ना, नहीं नहीं यहाँ पे देखो तीन साइन होता है ना, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, तो वो ग्रेटर नहीं है बोला ना, नॉट ग्रेटर देन Q, वो ग्रेटर नहीं है, तो क्या होगा? तो ये दो साइन बचेगा तो क्या होगा? स्मॉलर एंड इज इक्वल बनेगा, तो स्मॉलर देन इज इक्वल के जगह पे मैंने एट द रेट का साइन ले लिया ना, एट द रेट था ना वो। यस सर। समझ गया ना उज्ज्वल, सॉरी डिंपल। यस सर। ओके कॉपीराइट, अक्षय म्यूट करो माइक। चलो क्वेश्चंस करते हैं, सबका सेम आया ना ये कंडीशन? हाँ सर।
ये तीन सॉल्व करो। सर थर्ड स्टेटमेंट एच एट द रेट एफ है ना? सॉरी थर्ड स्टेटमेंट एच एट द रेट एफ है ना? एच एट द रेट हाँ एट द रेट एफ है। फर्स्ट का मैडम और आएगा नहीं नहीं आपके आंसर बुक में मार्क करिए आंसर बाद में मत बताइए आप बुक में मार्क करिए आपके आंसर हो गया सर सबका हो गया सर एक मिनट हाँ हाँ सॉल्व करो सर हो गया सुप्रिया मैम आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ ओके अलवीरा खान आप भी न्यू स्टूडेंट हो ना? नहीं सर चार पांच लेक्चर हो गए। हाँ मतलब आपने इनइक्वालिटी का मतलब लेक्चर अटेंड किया है? हाँ किया है। ओके समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर। तयेश यस सर आप न्यू हो? नो सर। ओके समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? किसी को डाउट नहीं आ रहा है इसमें कुछ? नो नो ओके No, sir. Okay, moment. चलो हो गया सबका सॉल्व करके? Yes, sir. चलो सॉल्व करके चलो बताइए बताइए फर्स्ट का आंसर आप लोगों का क्या आया? सेकंड राइट ओनली सेकंड फॉलो ओनली सेकंड फॉलोस मतलब सबका सेम आ रहा आई थिंक यस सर
चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे म्यूट कर दो, फर्स्ट नाइदर नॉर आया, ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ, आप चेक कर लो, चेक करते हैं किसका नाम, किसका नाइदर नॉर आया? सुप्रिया का भी, चलो देखते हैं yes. बाकी दो में कोई सेम है ना, दो में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर, नहीं सर। ओके मतलब फर्स्ट वाले का प्रॉब्लम, चलो देखते हैं। देखो यहाँ से एच से बी में जाना है, एच यहाँ पे है और बी यहाँ पे, आप सीधा जा रहे हो, साइन चेंज करोगे क्या? नहीं, नहीं चेंज करोगे। तो आप एच से के में गए, आप एट द रेट यहाँ पे, एट द रेट पे फिंगर रखो यहाँ पे, फिर ये के से डी में गए, परसेंटेज आ गया, अपोजिट हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, साइन अपोजिट हो गया ना, कि देखो ये है अपोजिट साइन हो गया, तो ये हो गया रॉन्ग फर्स्ट वाला। अब अभी बी से के में जाना है तो आप उल्टा आ रहे हो, साइन चेंज करोगे क्या? देखो बी से डी में जाओगे फिर डी से के में जाओगे, तो यहाँ पे है डॉलर, डॉलर का मतलब है इज इक्वल, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वो चेंज होता नहीं है कभी, उल्टा जाओ चाहे सीधा जाओ। फिर ये डी से डी में आ गए आप, फिर डी से के में गए, यहाँ पे आया परसेंटेज, परसेंट उल्टा होके क्या बन जाएगा? एट द रेट, डॉलर मिला था और एट द रेट मिला था, दोनों में बड़ा कौन सा होता है? एट द रेट। हाँ तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू। तो जो ओनली सेकेंड जिसका था उनका राइट है, और जिसका नीदर नॉर आया प्लीज एक बार चेक कर लो, आई थिंक मुझे लग रहा है आपने साइन उल्टा करना भूल गए होंगे, इसलिए मैं बार बार आपको जानबूझ के पूछता हूँ कि आप सीधा आ रहे हो उल्टा जा रहे हो, इसलिए पूछता हूँ, देखो दिमाग में छप जाएगा तो अच्छा है। चलिए बाकी लोगों का आंसर मैच हो रहा है सबका यहाँ पे सेकेंड और थर्ड में? हाँ सर। फिर भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे के से एफ में जाना है, के कहाँ पे है? यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, तो के से आर में जाओगे, फिर आर से एफ में जाओगे आप, तो अभी कॉपीराइट चेंज होके क्या बन जाएगा? स्टार। ये देखो ना यहाँ पे आर में पहुंच गया ना, फिर आर से एफ में जा रहे हो, तो आर से एफ में जा रहे हो तो मिला क्या? कॉपीराइट, और कॉपीराइट चेंज हो क्या बन जाएगा? स्टार बन जाएगा, तो दोनों अपोजिट हो गए ना साइन, तो ये हो जाएगा कैंसल। समझा कि नहीं समझा आपको ये? बाउंस हुआ क्या किसी को कि नहीं समझा ऐसा कुछ? समझा सर, समझा। एम से आर में जाना है, एम यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, आप सीधा जा रहे हो कि उल्टा जा रहे हो? सीधा। साइन चेंज करोगे? नहीं। तो देखो यहाँ पे एम से पहले आप एफ में जाओगे, तो मिला हमें परसेंटेज, तो आप परसेंटेज पे फिंगर रख लो, फिर ये एफ से एफ पे में जाओगे आप, फिर एफ से आर में जाना है, मिला क्या? कॉपीराइट, तो कॉपीराइट तो ये हो गया और ये क्या हो गया? अपोजिट, दोनों क्रॉस हो गया ना, अगर क्रॉस हो गया तो क्या हो जाएगा? कैंसल। तो नीदर नॉर का जिसका भी है, वेरी गुड राइट है। चलो एम से एफ में जाना है, एम यहाँ पे है और एफ यहाँ पे, तो पहले आप कैसे जाओगे? एम से एच में जाओगे, आप सीधा जा रहे हो कि उल्टा जा रहे हो? सीधा जा रहे हो, तो आप साइन चेंज करोगे क्या? नहीं करोगे, तो कॉपीराइट का जो साइन है आप कॉपीराइट पे फिंगर रख लो, फिर ये एच में जाने के बाद आप ये एच में आओगे, फिर एच से आपको एफ में जाना, तो आप सीधा जा रहे हो, तो साइन चेंज करोगे क्या? नहीं करोगे, तो मिला क्या हमें? एट द रेट, एट द रेट मिला, तो एट द रेट यहाँ पे है, और दोनों में अगर कंपेयर करें तो बड़ा कौन सा होता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट, क्या कॉपीराइट यहाँ पे है क्या? यस सर, ये हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, ए से एच में जाना है, ए यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, तो पहले ए से एफ में जाएंगे फिर एफ से एच में जाएंगे, तो देखो यहाँ पे ए से एफ में जा रहे हम लोग, सीधा जा रहे हैं कि उल्टा जा रहे हैं? सीधा। साइन चेंज होगा? नहीं। तो ये स्टार का एज इट इज यहाँ पे होगा, स्टार को हम लोग एज इट इज रखेंगे, फिर ये एफ में जाने के बाद हम ये एफ में आएंगे, फिर ये एफ में आने के बाद हम एच में जाना है, सीधा जा रहे कि उल्टा जा रहे हैं ये बताइए? उल्टा। उल्टा जा रहे, साइन उल्टा होगा। हाँ। तो देखो एफ से एच में आ गए,
एट द रेट बन के क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज, उल्टा जा रहे हैं ना तो साइन भी उल्टा हो जाएगा ना, परसेंटेज. हमें ये दो साइन मिला, ये दोनों में बड़ा साइन कौन सा होता है कंपेयर करें तो? ग्रेटर. ग्रेटर बड़ा होता है, तो स्टार यहाँ पे है क्या? हाँ. ये हो गया हमारा राइट. हम टिक किस पे करेंगे? बोथ. वेरी गुड. फर्स्ट में जिसका राइट हुआ मतलब रॉन्ग हुआ था उन्हें पता चला उन्होंने मिस्टेक्स कहाँ पे किया था. सर एक मिनट सर, एक बार फिर से समझाइए ना. हाँ कौन सा मैम? ये वाला वाला. हाँ देखो यहाँ पे आप ए से एच में आपको जाना है बरोबर ना. देखो ए ए यहाँ पे है और एच यहाँ पे है. तो पहले आप कैसे जाओगे? एच से एफ में जाओगे, फिर ये एफ में जाने के बाद आप ये एफ में निकलोगे, फिर एफ से आप एच में जाओगे, बरोबर कि नहीं? हाँ सर. तो देखो यहाँ पे आप ए से एफ में जा रहे हो, आप सीधा जा रहे हो तो साइन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं. तो आप ए से एफ में जाओगे तो आपका ए से एफ में जाते वक्त मिडल में जो साइन दिया है वो साइन कौन सा है वहां पे आप फिंगर पुट करो यहाँ. ठीक है, तो आपने यहाँ पे फिंगर रख लिया. ठीक है, आप ए से एफ में गए, आप फिंगर यहाँ पे क्यों रख रहे हो? क्योंकि सीधा जा रहे हो, साइन आपको चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज यहाँ पे आपने रख लिया. फिर ये एफ में आपको एच में जाना है, आप सीधा आ रहे हो कि उल्टा आ रहे हो पहले बताइए? उल्टा. उल्टा आ रहा है, साइन क्या होगा? चेंज होगा. और यहाँ पे क्या लिखा है? एट द रेट लिखा है, कॉपी मत समझना, एट द रेट लिखा है यहाँ. एट द रेट, तो एट द रेट यहाँ पे है तो उल्टा आते वक्त वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज होगा ना उल्टा आएंगे तो. जैसे ये साइन दिया है इसको अगर हम लोग उल्टा करें तो बन के क्या बन जाएगा? ये साइन बनेगा ना. स्मॉलर देन इज इक्वल दिया है तो स्मॉलर देन इज इक्वल का उल्टा क्या होता है? ग्रेटर देन इज इक्वल. तो हमें ये साइन को यहाँ पे रख लिया और हमें दो साइन मिला. अब बताइए ये दोनों साइन में से कौन सा साइन बड़ा साइन होता है? ग्रेटर. और ग्रेटर का साइन क्या दिया है? स्टार. क्या यहाँ पे स्टार है क्या? है. तो हो गया राइट. ओके सर, थैंक यू. चलो अभी और दो क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं. सॉल्व करिए इसे. सर फर्स्ट का ओनली वन फॉलो, फर्स्ट फॉलो. ओके, दोनों एक बार सॉल्व कर लीजिए फिर मैं आंसर पूछूंगा. सभी बताइए, आप बुक में मार्क कर लीजिए आपके आंसर. मैम इंक किधर है? आप खा लो, मुझे से तीन दिन. हो गया सर. क्या
किसका हुआ? मेरा. ओके अलमीरा खान का हो गया, बाकी लोगों का डिंपल का भी हो गया. वेरी गुड हो गया. ओके हो गया सर. ओके वेरी गुड वेरी गुड. चलो बाकी हो गया, बाकी लोगों का हो गया. हो गया चलो सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखो इसका क्या आंसर है बताइए. फर्स्ट फॉलो फर्स्ट वन फॉलो. ओके आइदर और एक मिनट मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं. एक मिनट में आप मुझे बताइए. आइदर आइदर नंबर वन ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू और एम यहाँ पे है. तो पहले आप टी से डब्ल्यू में जाओगे फिर डब्ल्यू से एम में जाओगे बरोबर ना. रोहित म्यूट कर दो प्लीज. देखो यहाँ पे T से M में जा रहे हो तो T से आप W में जाओगे फिर W से M में जाओगे करेक्ट ना. यस सर. तो देखो यहाँ पे T से आप W में जा रहे हो सीधा जा रहे हो क्या साइन चेंज करोगे क्या? नहीं नहीं चेंज करोगे. तो पहले आप क्या करो T एट द रेट दिया है यहाँ पे एट द रेट पे यहाँ पे फिंगर रखो ठीक है एट द रेट पे ठीक है. तो T से आप W में गए फिर W से आप W में निकलोगे फिर W से M में जा रहे हो उल्टा आ रहे हो सीधा आ रहे हो? उल्टा. साइन चेंज होगा कि नहीं? हाँ होगा. होगा तो ये स्टार क्या हो जाएगा? कॉपीराइट बन जाएगा. स्टार कॉपीराइट बन जाएगा. अब मुझे ये दो साइन मिला. अब ये दोनों साइन में बड़ा साइन कौन सा होता है? कॉपीराइट. कॉपीराइट क्या कॉपीराइट यहाँ पे है? हाँ. ये हो जाएगा राइट हमारा राइट. अब देखो टी से आर में जाना है यहाँ एम तक तो हमें कॉपीराइट ही मिला ना. देखो T से W, W से M, M से R जाना है. तो M तक तो हम लोग जर्नी कवर कर चुके हैं. तो जहाँ पे हमें कॉपीराइट मिला था देखो T से M यहाँ तक कवर कर चुके थे ना. हाँ सर. फिर M से M में जाना फिर M से R में जाना वही तो है. तो वापस क्यों हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ना. फिर देखो M से R में जा रहे हो आप सीधा जा रहे हो कि उल्टा जा रहे हो? तो साइन चेंज होगा. होगा. हाँ. होगा होगा. पहले हमें कॉपीराइट मिला था फिर कॉपीराइट चेंज होके क्या बन जाएगा? स्टार. स्टार. और दोनों अपोजिट आ गए कैंसिल हो जाएगा. रॉन्ग हो गया. ओनली वन फॉलो. ओनली वन. वेरी गुड. चलो अभी देखो एफ से के में जाना है. एफ कहाँ पे है? यहाँ पे. देखो यहाँ पे है और के यहाँ पे है. तो एफ से के में जाते वक्त आप उल्टा आ रहे हो तो साइन में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. तो देखो यार एफ से के में आते हो क्या मिला हमें? डॉलर मिला. तो डॉलर रख लिया हम लोगों ने ठीक है. तो डी से के में जा रहे हो आप उल्टा आ रहे हो एट द रेट क्या बन जाएगा? परसेंटेज. तो परसेंटेज और डॉलर और एट द रेट में बड़ा साइन कौन सा होता है? परसेंटेज. परसेंटेज क्या यहाँ पे परसेंटेज है? रॉन्ग हो जाएगा. ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा. रॉन्ग हो जाएगा. दोनों रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है ठीक है. दोनों रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. अब देखो सब्जेक्ट भी सेम हो रहा है और हमें साइन क्या मिल रहा है? डॉलर और परसेंटेज मिला. मतलब ये इज इक्वल मिला. एक मिनट ऊपर वाले एफ से के डॉलर और एट द रेट मिल रही है. ठीक है देखो तो मतलब ये हमें दो साइन मिल रहा है. दो साइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है. आप लोग हाँ मिल रहा है. अगर मैं ऐसा कहूँ और ये जो साइन मिला है तो ये साइन बन रहा है कि नहीं? हाँ. दोनों मिला के और दोनों साइन यहाँ पे है क्या? चेक करो. नहीं है. अरे सर ये साइन एट डॉलर का मतलब क्या हो गया? ये कॉपी. हाँ, ये हो गया ना. हाँ, है. है सर. हाँ, हाँ, है, हाँ, तो हाँ. हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो ये हो गया आइदर और. मतलब सब्जेक्ट भी सेम दोनों कंक्लूजन रॉन्ग साइन भी मैच हो रहा है तो कौन सा केस बनेगा? चलो क्लियर है रफ करूं.
सिस्ट में स्टार का साइन काम मैच हुआ। एग्जामिनर क्या करता मैं आपको बता। स्टार का साइन नहीं मैच हुआ। बताओ ना मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था। जे कॉपीराइट के। जे कॉपीराइट के। कॉमा। के एट द रेट डी। डी कॉमा डी डॉलर एफ। हाँ कंक्लूजन ले लो सर। एफ स्टार के के स्टार सेकेंड वाला। लेकिन स्टार वाला किधर गया? नहीं नहीं स्टार किधर है? आपने कुछ मिसिंग किया। हाँ सर स्टार ही था। बराबर है सर। ओके सेकेंड वाला एफ डॉलर के। एफ डॉलर के। एफ डॉलर के। देखो एफ से के में आते हो क्या क्या मिला पहले वो देखो। एफ से के यहाँ पे जाना है। डॉलर मिला इज इक्वल हो गया। डी मिला एट द रेट मिला। ये साइन मिला और ये साइन का मतलब क्या होता है? ये साइन का मतलब होता है ये प्लस ये तब जाके ये साइन बनता है। बराबर सर वो एट द रेट है वो चेंज नहीं करेंगे क्या? चेंज हो जाएगा ना। हाँ हाँ उल्टाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना। वो तो अभी आप उल्टा आ रहे हो तो ये साइन ये बन जाएगा ना। हाँ और ये साइन देखो परसेंटेज का मतलब ये इसका मतलब क्या है? ये स्टार का मतलब क्या है? क्या हुआ देखो यहाँ पे ये देखो स्टार का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्टार का मतलब दिया है ना। स्टार का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर। किसने डाउट पूछा था? हर्षद। हर्षद यहाँ पे देखो स्टार का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर हो गया। बरोबर। और डॉलर का मतलब क्या हो गया? इज इक्वल हो गया। और मुझे ऊपर वाले स्टेटमेंट में कौन सा साइन मिला था? ये साइन मिला था ना। और ये साइन कैसे मिला पता है क्या? मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप एफ से के में जा रहे थे तो आपसे डॉलर मिला तो आपने डॉलर पर फिंगर रखा। फिर डी से ये डी में आए एट द रेट में गए तो एट द रेट में गए तो आप उल्टा आ रहे थे ना तो साइन ये चेंज होकर क्या बन जाएगा? ये बनेगा कि नहीं हर्षद? हाँ सर समझ गया। हाँ तो ये साइन बन रहा है तो ये साइन हो गया ग्रेटर देन इज इक्वल। तो ग्रेटर देन इज इक्वल ये जो मुझे मिला वो स्टेटमेंट के थ्रू मिला। अब कंक्लूजन में चेक करूंगा मैं तो स्टेटमेंट में मुझे ग्रेटर देन इज इक्वल मिला क्या? कंक्लूजन में है क्या वो पहले वो चेक करूंगा। तो स्टार दिया स्टार का मतलब हो गया कंक्लूजन नंबर वन है मुझे मिला ग्रेटर। कंक्लूजन नंबर टू चेक करूंगा तो यहाँ पे दिया है डॉलर। डॉलर का मतलब हो गया इज इक्वल। अब देखो ग्रेटर देन और इज इक्वल दोनों मिला के बन गए यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल। तो ये कौन सा केस आएगा? आइदर और। क्लियर हुआ सबको? यस सर। हर्षद क्लियर हुआ? अलग लिया था ना कुछ? हाँ क्या अलग लिया था? मैंने कुछ भी अलग नहीं लिया सेम वही है। मैंने क्या किया? मैंने शॉर्टकट किया मतलब मैंने सोचा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने क्या कर लिया? ये साइन लिया था डायरेक्ट। ये साइन लिया था मैं। देखो ये साइन देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ अभी भी ये साइन लिया था लेकिन ये उल्टा आ रहा था तो वो तो चेंज हो जाएगा ना। मैंने टाइम बचाने के वो हिसाब से कर रहा था। मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए फिर मैंने आराम से आगे समझाया। क्लियर हुआ अभी? किसी को डाउट है फिर से बताऊं इसमें? स्टूडेंट डाउट नहीं है? चलो अब देखो यहाँ पे अब बात करते थोड़ा सा इसका एक रफ टॉपिक ले लेते। देखो यहाँ पे कोडेड में हमने इनइक्वालिटीज में हमने क्या क्या सीखा था? इनइक्वालिटीज में हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने। पॉइंट नंबर वन अगर हम लोग स्ट्रेट डायरेक्शन में जाते हैं तो साइन चेंज होता है क्या? नहीं होता। ओके पॉइंट नंबर टू अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो साइन चेंज होता है? हाँ होता है। ओके ठीक है। अगर तीसरा हमें कंपेयर करने आना चाहिए साइन में। अगर मैं कंपेयर करूं ये तीन में से तो देखो कंपेयर वो उसी चीजों से होगा जो एक ही फॉर्मेट में हो। फॉर्मेट का मतलब या तो ग्रेटर हो या ग्रेटर इज इक्वल हो या इज इक्वल हो तो इस सेम फॉर्मेट में है ना। ये सेम फेसिंग है ना यहाँ पे। देखो फेसिंग सेम है ना। पॉइंट यहाँ पे सेम है ना। हाँ। तो हम लोग कंपेयर करते हैं। चलो मेरे को रैंकिंग बताओ ग्रेटर कौन सा आएगा बड़ा सबसे कौन सा आएगा?
ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा, ये सेकंड आएगा और ये थर्ड आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों में से बड़ा साइन कौन सा होगा तो आप बोलोगे ग्रेटर बोलोगे। अगर मैं आपसे बोलूं ये दोनों में से ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं आपसे बोलूं ये दोनों में से बड़ा साइन कौन सा होगा ग्रेटर बोलोगे। ठीक है, तो मैं प्लेसिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ये सबसे बड़ा होता है, ये सेकंड प्लेस होता है, ये थर्ड प्लेस है। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अगर आपका जो स्टेटमेंट में जो साइन मिला अगर वो अपोजिट आ गया, भले वो कितना भी आने दो, अगर ऐसा कितना भी बार आ रहा है, अगर एक बार भी अगर अपोजिट साइन आता है तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा कैंसल होता है और कंक्लूजन भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाता है। आप लोगों का डाउट किधर आ रहा पता है क्या? ये तो हो गया आपका पूरा मतलब शॉर्ट में समरी, आइदर और में डाउट आ रहा है और नाइदर नॉर में डाउट आ रहा है। देखो वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको समझाता हूँ नाइदर नॉर क्या होता है। बस मुझे कुछ याद मत रखो, सिर्फ एक बात का याद रखो, नाइदर नॉर में दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुआ तो मैं सीधा नाइदर नॉर पे टिक करूंगा। बरोबर, यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं होता, कभी कभी सब्जेक्ट सेम भी होता है, कभी कभी वो अलग भी होता है। यहाँ पे साइन का कोई मैटर नहीं होता, साइन यहाँ पे भी क्या होता है, चेक करते हैं हम लोग ऐसा साइन यहाँ पे कि स्टेटमेंट में होना चाहिए सेम, ऐसा कुछ तीन साइन होना चाहिए, सब कुछ चेक करते हैं क्या यहाँ पे साइन नाइदर नॉर में नहीं चेक करते ना। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे आइदर और नाइदर नॉर में डिफरेंसेस क्या है। पहले पॉइंट नंबर वन, दोनों स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। आइदर और में भी सेम, पॉइंट नंबर वन दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, यहाँ पे सब्जेक्ट का मैटर होता है क्या यहाँ पे आइदर और में नाइदर और में? नहीं होता है, कभी कभी सेम भी होता है, कभी कभी अलग भी होता है, बट आइदर और के केस में ऑलवेज सब्जेक्ट शुड बी सेम, सब्जेक्ट प्रिडिक्शन शुड बी सेम होता है, ऑलवेज सेम होता है, सेम ऑलवेज। मतलब फॉर एग्जांपल कंक्लूजन वन में अगर दिया है ए और सी, कंक्लूजन नंबर टू में भी ए और सी दिया होगा। ठीक है, ऑलवेज सेम होता है और यहाँ पे भी सेम होता है और नहीं भी होता है। क्लियर, नाइदर नॉर के केसेस में पॉइंट नंबर तीन, क्या साइन चेक करना मैंडेटरी है क्या? नहीं, बट आइदर और के केस में स्टेटमेंट का साइन चेक करना मैंडेटरी है। क्लियर, कुछ अभी कुछ डाउट्स आपको इन इक्वालिटीज में तो आप मुझे पूछिए। नो सर। और देखो एग्जामिनर क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपके ऑलमोस्ट तीन या चार लेक्चर लिए इसके ऊपर, बेसिक टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हाई मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी जनरली क्या करता है, आपको स्टेटमेंट दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट दिया ए ग्रेटर देन बी स्मॉलर देन सी इज इक्वल टू ई ग्रेटर देन एच, ऐसा दिया। कंक्लूजन नंबर दिया ए ग्रेटर देन बी दे दिया और H is equal to E दे दिया। कंक्लूजन नंबर तीन भी देता है, याद रखो आप कभी भी, कंक्लूजन नंबर तीन भी दिया और कंक्लूजन नंबर फोर भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं, आपके ऑप्शंस में दिए रहेंगे। ठीक है, ऑप्शंस देखो मैं बता देता हूं, ऑप्शंस में दिए रहेंगे। अगर आपका सपोज यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपका कंक्लूजन नंबर वन फॉलो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर करेगा यहाँ पे आंसर करना प्लीज। यहाँ पे अगर आपका फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मत ध्यान दो, अगर फॉर एग्जांपल आपका कंक्लूजन नंबर वन फॉलो हो रहा है, सेकेंड आपका रॉन्ग हो गया, थर्ड आपका रॉन्ग हो गया, फोर्थ आपका रॉन्ग हो गया और ऑप्शन में आपको दिया है ओनली वन फॉलो, ऑप्शन में आपको दिया है ओनली सेकेंड फॉलो, ऑप्शन में आपको देगा थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन में आपको फोर्थ ऑप्शन देगा नन फॉलो, ऑप्शन नंबर फिफ्थ देगा ओनली वन फॉलो आइदर
थ्री और फोर्थ फॉलो, तो आप किस पर टिक करोगे? ओनली वन फॉलो, ओनली वन, ओनली वन, ओके ओके, सब लोग ओनली वन पे टिक करोगे? हाँ सर। ओके ओके, सब गलत हो गए फिर तो, सब रॉन्ग हो गया ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर आपका यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट, अगर दो कंक्लूजन दिया होगा तो आप इजीली टिक कर पाओगे। एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी तीन कंक्लूजन दे देता है, कभी कभी चार कंक्लूजन एग्जाम में देता है। अगर आपके फर्स्ट फॉलो हो रहे और बाकी के तीनों रॉन्ग हो रहे, लेकिन आपने यहाँ पे नोटिस नहीं किया, यहाँ पे सब्जेक्ट तो सेम हो रहा है ना, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सेम हो रहा है, तीनों साइन मिल रहे हैं, तो ये आइदर भी तो आ रहा है ना। हाँ, तो लास्ट वाला हो सकता है, ओनली वन फॉलो एंड आइदर थ्री और फोर फॉलो, तो ये भी एग्जामिनर देता है, ध्यान देना इस बात की। ये एग्जाम्पल लिया, ध्यान देना यहाँ पे, कभी भी सब्जेक्ट सेम हो गया, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सेम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता सी और सब रॉन्ग ही है ना। हाँ रॉन्ग ही है ना, आइदर और में रॉन्ग ही होता है। अभी ओनली वन फॉलो हो जाएगा, अभी ओनली वन फॉलो होगा, क्लियर हुआ? हाँ मैम पूछिए, क्या पूछ रहे थे? वैसे भी सर वो रॉन्ग ही हो रहा था ना। नहीं नहीं, मैं ये छोड़ दो मैम, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये छोड़ो, अब बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये दो केस आपका आइदर और फॉलो हो रहा है और आपका ओनली 100% ट्रू हो रहा है, और आइदर और ये दोनों ट्रू हो रहा है, तो आपको ये टिक करना है, ओनली वन फॉलो एंड आइदर थ्री और फोर्थ फॉलो, ठीक है। अगर आपका सपोज यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे सी कर दिया और सब रॉन्ग हो रहा है, तो आप किस पे टिक करोगे? अगर आपका ओनली वन फॉलो हो रहा है तो किस पे टिक करोगे? ओनली वन फॉलो करोगे। देखो आपको ना कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको आता सब कुछ है, आपको आंसर निकालना भी आता है, लेकिन टिक करना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टिक पे ही मार्क्स मिलता है, तो टिक करना भी जानना आपको बहुत जरूरी। कभी कभी ढाई घाई में हम लोग ये ऑप्शन खींचे देखते नहीं है, ढाई घाई में ओनली वन फॉलो पे टिक कर देते हैं, ठीक है। चेक करना पड़ेगा ना सर, आइदर और है या नहीं। हाँ तो चेक तो करना ही पड़ेगा ना, विदाउट चेक किए कैसे करोगे? चेक तो करना ही पड़ेगा, मैंने बताया जैसे वही फॉर्मेट में चेक करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे आप ही बता दो, क्या पढ़ना है? सिलॉग्स पढ़ेंगे। सिलॉग्स पढ़ना है? हाँ, इनइक्वालिटी तो हो गया, चलो सिलॉग्स पढ़ लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हर्षद सर कोडेड इतना ही है क्या? क्या पढ़ना है आपको? सिलॉक्स पढ़ना है कि डायरेक्शन पढ़ना है कि सीरीज पढ़ना है कि ब्लड रिलेशन पढ़ना है? डायरेक्शन भी चल जाएगा, पढ़ेंगे ना पेपर फोल्डिंग मिरर वगैरह सब पढ़ेंगे। टोटल चैप्टर कितना है? टोटल वैसे तो चैप्टर 10-12 कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन नहीं हुआ है क्या? कोडिंग डिकोडिंग वो सब इजी चैप्टर्स हैं, पहले जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स आधा हुआ था। ओके ओके सॉरी, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? अधूरा सर, ये किसमें आते हैं? मैथ्स में आते हैं कि किसमें आते हैं ये सब? ब्लड रिलेशन चैप्टर नहीं नहीं, ये सब रीजनिंग 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 मशीन इनपुट्स अभी तो सिंपल। क्या हुआ ब्लड रिलेशन अधूरा हुआ क्या सर? एक मिनट डिंपल बोलिए क्या हुआ? डिंपल बोलिए क्या हुआ? रिलेशन आधा ही हुआ है ना, आधा कैसे हुआ सर? रीजनिंग के कितने चैप्टर है इसमें, मुझे आईडिया मिलेगा? देखो हाँ अर्षद देख लो यहाँ पे रीजनिंग का किया था ना आपने सर, मेरे पास है। हाँ वो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ग्रुप में वापस से सेंड कर दूंगा। हाँ भेज दो हर्षद को भी मिल जाएगा। हर्षद आप ग्रुप में हो क्या? हाँ सर हो ग्रुप में, मैं मुझे कुछ मिला नहीं। हाँ वो ग्रुप में आपको मिल जाएगा। हाँ वो सेंड कर देंगे, मम्मी ना सेंड कर दोगे ना? तीनों को सर सेंड कर दे। हर्षद आपको मैथ्स के भी सिलेबस मुझे नहीं मालूम है कुछ, क्या पूरा आईडिया नहीं है मुझे सर। देखो पूरा एसएससी का क्या सिलेबस है मुझे कुछ आईडिया नहीं है सर, न्यू हूं मैं। देखो एसएससी का पहला होता है टीयर 1 होता है, आप ये क्वालिफाई कर लिए फिर टीयर 2 के लिए जाते हो। अगर आप इंटरव्यू हुआ तो हुआ, जनरली कंपलसरी नहीं कुछ कुछ इसमें। तो देखो टीयर 1 में आपका इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग होता है,
यहाँ पे इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीए जीएस यहाँ पे पूरा होता है पूरे मेंस की तरह। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो इंग्लिश का तो मैं सिलेबस नहीं बता सकता, इंग्लिश का तो आपको जितना अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा है वो आप सिर्फ रीडिंग करो, बाकी ग्रामर इमर पे ध्यान मत दो, रीडिंग करो आपको पूरा मिल जाएगा। रही बात मैथ्स की और रीजनिंग की, तो आपको चैप्टर्स कौन कौन सा कवर कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन मैथ्स में, और रीजनिंग में बात करूँ तो मैं इनइक्वालिटी यहाँ पे ले लो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 10 मार्क्स के लिए आता है, ये बैंक का बता रहा हूँ मैं, और ये 5 मार्क का प्री में आता है इनइक्वालिटीज का, ठीक है। शायद जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा, जो आईबीपीएस का दिया है ना उसको पता होगा सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क के लिए आया था। सीरीज आता है नंबर सीरीज, जिसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है मिसिंग एक होता है रॉन्ग, ये 5 मार्क के लिए आता है। यहाँ पे भी सीरीज आता है, ये भी 5 मार्क के लिए आता है। यहाँ पे देखो इनइक्वालिटीज होता है जिसमें आपको कंपेयर करना होता है, ये भी 5 मार्क के लिए आता है। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी है जो 5 मार्क के लिए आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ले लो सिलॉक्स, ये भी 5 मार्क के लिए आता है। अब चौथा चैप्टर हो गया डीआई, ये डीआई प्री में 5 मार्क के लिए आता है और मेंस में कम से कम 20 से 25 मार्क के लिए आता है। और यहाँ पे डीआई तो नहीं होता, यहाँ पे पजल होता है, पजल होता है 15 मार्क्स प्री में आता है और मेंस में भी 15 से 20 से 25 मार्क्स का उसका वेटेज होता है। डीआई डायरेक्शन नहीं, नहीं डीआई में डायरेक्शन नहीं है, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैथ्स के ये तो हो गए मेजर चैप्टर जो मैथ्स के थे, रीजनिंग में तो सब मेजर ही है। देखो यहाँ पे मैथ्स में देखो आपको पढ़ना क्या है, आपके बेस स्ट्रॉन्ग किसमें होना चाहिए, परसेंटेज इसमें बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। छठवा चैप्टर हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सातवा हो गया एवरेज, आठवा हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये आपका बेसिक है, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तब आपको बाकी के चैप्टर्स कवर होंगे, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम। दसवां चैप्टर टाइम एंड वर्क, और इसमें ही टाइप होता है पाइप एंड सिस्टम। और ग्यारहवां चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस, बारहवां चैप्टर होता है पार्टनरशिप, तेरहवां चैप्टर होता है सीआई और एसआई, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चौथा आता है प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और मिसलेनियस में 2-3 चैप्टर हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया वो पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर सिक्स से जरा बताते जाओ ना सर, सिक्स से क्या लिखा है? सिक्स से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सेवन है एवरेज, एवरेज आठवा है मिक्सचर एंड एलिगेशन, आठवा नौवा है टाइम एंड वर्क और स्लैश बोट एंड स्ट्रीम, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है इसलिए मैंने साइड में ले लिया टाइम एंड वर्क स्लैश बोट एंड स्ट्रीम। दसवा है टाइम एंड वर्क स्लैश पाइप एंड सिस्टम, इसके भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक ही चैप्टर में कवर हो जाएगा पाइप एंड सिस्टम। ग्यारहवा ले लो प्रॉफिट एंड लॉस, बारहवा पार्टनरशिप, तेरहवा ले लो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है इसलिए साथ में ले लिए। चौदहवा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, अब पंद्रह में ले लो नंबर सिस्टम। मैथ्स कवर हो गया अर्शद? लास्ट वाला क्या है सर? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ओके सर थैंक यू। ठीक है ये हो गया मैथ्स में, अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो इनइक्वालिटीज, सीरीज, सिलॉक्स, पजल, पजल में बहुत सारे टाइप है वो हम लोग कवर करेंगे। पांचवा चैप्टर ले लो यहाँ पे ब्लड रिलेशन, छठवा है डायरेक्शन, सातवा है इनइक्वालिटी, सीरीज, सिलॉक्स, पजल, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और कौन सा अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आ गया। इसमें ना बहुत सारे अंदर अंदर चैप्टर्स बहुत हैं, मतलब सिलॉक्स में बहुत चैप्टर्स है, पजल में 3-4 चैप्टर पजल्स में हो गए, कोडिंग में 2 चैप्टर्स कवर हो गए, टोटल 10 चैप्टर्स है। मिरर आता है, पेपर फोल्डिंग आता है, इनपुट आउटपुट आता है, इनपुट आउटपुट आता है, लेकिन एग्जाम में वो गायब हो रहा है आजकल, आता नहीं है वो।
एनालॉजी से भी नहीं पूछा जाता वो तो। तो ये है रीजनिंग के चैप्टर्स। एक्चुअली रीजनिंग थोड़ा सा मतलब कर किया ना आपने प्रैक्टिस तो स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा। चलो अब बताइए मुझे सिलेबस पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। सर ये टायर 1 में सिर्फ इंग्लिश मैथ्स और ये रीजनिंग रहता है। हां टायर 2 में, टायर 2 में इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीएस जीए तीन तो फिक्स है। इंग्लिश मैथ रीजनिंग आपका फिक्स है, जीओ जीएस रहेगा। हां डीप बोलिए सर। अभी प्री में जीओ जीएस क्या बोले सर? जनरल अवेयरनेस एंड और आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर ब्लड रिलेशन में प्री में एबीसीडी वाला आएगा या फिर नेम वाला आएगा? नहीं वो डिपेंड एग्जामिनर कैसा कर रहा है, नेम भी पूछता कर। सर हम लोग टायर 1 क्लियर किया तो टायर 2 ले सकते हैं। हां टायर 1 क्लियर किया तो आपने टायर 2 में जाना है, फिर टायर 2 क्लियर किए तो अगर आपका इंटरव्यू है उस अगर जो एग्जाम दे रहे हो तो आपको इंटरव्यू के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू नहीं है तो फिर डायरेक्ट सिलेक्शन। टायर 3 नहीं होता है, 1 और 2 ही होता है। सर कोडिंग एंड डिकोडिंग के बाद क्या था सर? और मैंने मिटा दिया एक्चुअली। देखो टोटल 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर है ना सर? हां हां वो मैं कवर कर दूंगा, आप डोंट वरी। ओके सर थैंक यू। कवर कर दूंगा। हेलो सर। टायर 2 के बेस पे सिलेक्शन होता है ना किसी टायर 1 के? नहीं नहीं टायर 1 के बेस पे आप टायर 2 पे जाते हो और टायर 2 क्लियर किए तो आपको फाइनल जॉब लगता है। अदरवाइज आपने टायर 1 कंप्लीट किया है क्वालिफाई कर लिया, अगर टायर 2 में फेल हो गए तो फिर आपको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके हां नीता बोलिए। हेलो सर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कहां मिलेगा? पीडीएफ पे मिला था मतलब गूगल पे, पर मैं वो सॉल्व कर चुकी हूं, मुझे और चाहिए। और चाहिए क्या? तो गूगल ही है सब कुछ बड़ा सोर्स है। यार गूगल पे नहीं मिल रहा, बस एक बार पीडीएफ मिला था मैं उस पे देखी और सॉल्व की। सब राइट हुआ क्या? हाँ सर राइट हुआ, छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे। नहीं बड़े वाले भी ढूंढो ना, कोडेड इनइक्वालिटी ऐसा ढूंढो। तो एक काम करो आप आपके फोन पे एक ऐप डाउनलोड कर लो, अड्डा 247 ग्रेड अप, अड्डा 247 ग्रेड अप, ये दो ऐप डाउनलोड करो। ये ऐप में जा आप, यहाँ पे आपका डेली क्विज आता है, डेली क्विज वो लगा दो और ग्रेड अप में चैप्टर वाइज आता है, चैप्टर वाइज जैसे हमने आज इनइक्वालिटी पढ़ाया तो आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस वहां पे जाके सॉल्व कर सकते हो। ओके सर ग्रेड अप में ये दो है, अड्डा 247 प्ले स्टोर से डाउनलोड करो ग्रेड अप। एक्चुअली अड्डा 247 मत करो आप ग्रेड अप डाउनलोड करो, जब भी आपका ग्रेड अप में परफेक्शन आ जाएगा फिर अड्डा 247 पे आ जाओ। ओके सर थैंक यू। हां चलो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सिलॉक्स पढ़ेंगे। हां बोलिए मैम। सर ब्लड रिलेशन का भी आपने जो करवाया था ना सिर्फ दो ही जनरेशन का करवाया था? मैं 5-6 जनरेशन ले लूंगा मैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मतलब सर। मैं चलो मैं आपके लिए ढूंढता हूँ, 3 जनरेशन का ढूंढता हूँ। अरे सर मैंने वो नाम मतलब नेम वाला किया था ना गूगल पे से तो वो नहीं हो रहा है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। सर को भेज दो आप, सर को आप अशोक सर को भेज दो, अशोक सर मुझे भेज देंगे, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। सर हम लोग को ये शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स का नोट्स मिलेगा? नहीं इसका नोट्स नहीं आता, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पजल भी नहीं हो रहा था। पजल सॉल्व कराया था ना मैंने डिंपल, आपका तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। नहीं मेरा नहीं मतलब मेरा एक नहीं हो रहा था गूगल पे से मैंने किया ना। वो भेज दो सर को, भेज जो नहीं बन रहा है क्वेश्चन आपसे सर को सेंड करो। सर कब सिखाओगे? अभी तो पहले बेसिक सीखना जरूरी है ना, इनइक्वालिटी सिलॉक्स डायरेक्शन ब्लड रिलेशन। जब आपका डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन बन जाएगा तब मैं आपको पजल सिखाऊंगा। ओके सर। एक काम करो डिंपल आप ना सर को वो क्वेश्चन सारे भेज दो अशोक सर को, वो सर मुझे भेज देंगे, मैं सॉल्व करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में आधे घंटे चाहिए तो हम लोग डाउट सेशन कर लेंगे। ठीक है ओके सर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिलॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है ओके सर। चलो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। हैप्पी क्रिसमस। हाँ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। गुड नाइट सर। बाय सर। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय।